तो दोस्तों क्रिएटिव आइडिया के इस वीडियो में आप सबका स्वागत। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टाइम्स नाउ जो न्यूज़पेपर है ये एक ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर में एक चीज़ निकल के आया है कि इग्नू का जो पेपर लीक हुआ है इसके ऊपर पुलिस का एक केस हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्या सही है क्या गलत, और अगर सही है तो क्या कार्रवाई होगा, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो डे आफ्टर क्वेश्चन पेपर ऑफ BCS 031 टेक्स्ट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी लीक्ड थ्रू व्हाट्सएप, द दिल्ली पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन FIR इन दिस कंसर्न एंड इंट्रोगेटेड अराउंड 20 स्टूडेंट्स एंड ऑफिसर सेड ऑन मंडे ऑन द कंप्लेंट ऑफ इग्नू रजिस्टर SG स्वामी, द पुलिस ऑन सैटरडे रजिस्टर्ड द FIR ऑन चार्जेस ऑफ चीटिंग एंड क्रिमिनल कंस्पिरेंसी ओवर द लीकेज ऑफ C++ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब दिल्ली में क्वेश्चन लीक हुआ है और 20 जो छात्राएं उसको पूछताछ की जा रही है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, ये भी पूछताछ करें इस जो यहाँ जो बच्चों को पूछताछ की जा रही है वहाँ पर शामिल है, और ये जो केस हो हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई भी चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी मतलब क्वेश्चन चला जाता है, तो क्या कहें इग्नू एक इतनी बड़ी ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे होगा तो ट्रस्ट हट जाएगा, हो सकता है ट्रस्ट हटाने के लिए ये की जा रही है, ठीक है। तो जो भी हो हम उसके विरुद्ध हैं, क्योंकि क्वेश्चन लीक करना, क्वेश्चन को अनफेयर वे से पब्लिश करना एक गलत बात है, क्योंकि ये बहुत बुरा असर पड़ता है जो बच्चे अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो ये ना करें, कोई भी पैसा के लिए कर रहा है तो ना करें, क्योंकि एजुकेशन पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है, उसको बर्बाद ना करें। तो आज के लिए आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, तो हम इस वीडियो के साथ रहते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।